प्रेरणा कथा, मेरी खुशी। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे अपने ऋण चुकाने के लिए कम से कम एक हफ्ते का समय चाहिए होगा। कुछ महीनों से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आप थोड़ा और धैर्य रखेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं एक हफ्ते में आपके पैसे वापस देने का वादा करता हूँ। ठीक है, ऐसा ही कीजिए, नहीं तो हम तुम्हारी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ बंद हो गई और मैंने भी अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास ही बेंच पर रख दिया। मैंने उसी बेंच में बैठे बैठे पार्क में इधर उधर देखा। कुछ बच्चे खेल रहे थे, पेड़ हवा में लहरा रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, पर मैं अकेला ही तनाव में उस बेंच पर बैठा था। मैंने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और फिर अपने सर को अपने घुटनों पर रख दिया। मेरे जीवन में मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। अचानक किसी ने मेरी पीठ थपथपाई। दोस्त, मेरे दोस्त, मैंने सर उठाकर थपथपाने वाले को देखा। उसने मुझसे पूछा, क्या समस्या है? मैंने बहुत ही अभद्र लहजे में पूछा, तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? मुझे अपना दोस्त ही मान लो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? भगवान के लिए कृपया यहाँ से चले जाइए और मुझे शांति से बैठने दीजिए। मैंने फिर से अपना सर अपने घुटनों पर रख दिया। उस व्यक्ति ने व्यंग करते हुए कहा, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, पर तुमको बताऊँ, ऐसे सर झुकाकर बैठने से कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला है। मैंने सीधे खड़े होकर उस व्यक्ति को गुस्से से देखा। आराम से, आराम से, मैंने कहा, तुमको क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, मैं भी तुमसे यही प्रश्न पूछने वाला था कि तुमको क्या चाहिए। मैंने और भी गुस्से से कहा, क्या तुम पागल हो? उसने कहा, गुस्सा थूक दो, अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी तुम अपने जीवन में सबसे अधिक कमी महसूस करते हो? मैं कुछ देर तक चुप रहा। वो अभी भी मुझे घूरे चले जा रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। फिर भी मैंने जवाब दिया, खुशी, मेरे जीवन में खुशी नहीं है। क्या तुमने पूछा मुझे सबसे अधिक किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे खुशी की ज़रूरत है। उसने कहा, तुम मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी चलाते हो, ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, रोलेक्स की घड़ी तुम्हारी कलाई पर बंधी है। बड़े ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे जैसे लोग भी खुशी की भीख मांगते हैं। वो ठीक ही तो कह रहा था, जो चीज़ें उसने कही थी वो सब मेरे पास थी। उसने बहुत अच्छे से मुझे और मेरी चीज़ों को देखा था। मैंने सोचना शुरू कर दिया, फिर मैंने उसको देखना शुरू कर दिया। वो एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठा था, उसकी कमीज फटी हुई थी और एक पुरानी रंग उड़ी हुई जीन्स पहनी हुई थी। वो उम्र में मेरे डैडी से भी बड़ा था, ना तो उसके पास वो सब चीज़ें थी जो मेरे पास थी, परंतु उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने मुझको पूछा, तुम मुझको ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? मैंने कहा, पैसे। तुम्हारी सभी चीज़ें इतनी महंगी हैं और फिर भी पैसा तुम्हारी समस्या है? मैंने कहा, मेरी कार पर ऋण बाकी है, मैंने घड़ी की महीने की किस्त कुछ दिन पहले ही चुकता की है। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम ये सब चीज़ें क्यों खरीदते हो? मैंने कहा, क्योंकि अगर तुम अमीर नहीं हो तो समाज में आदर नहीं मिलता। ये सब चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, अपने आप को अमीर दिखाना ही पड़ता है, यही मैंने भी किया। वो फिर से मुस्कुराया। मैंने कहा, इसमें मुस्कुराने की कौन सी बात है? एक बार बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम मुस्कुराते ही रहते हो? तुम एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठे हो और कपड़े फटे हुए हैं, तुम कोई अरबपति भी नहीं हो। बोलने के तुरंत बाद मैंने सोचा, मैंने कितनी मूर्खतापूर्ण, अनैतिक, कठोर और अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया था। उसने कहा, बेटा, किसने कहा कि खुश रहने के लिए अरबपति या करोड़पति होना जरूरी होता है? अगर तुम समझते हो कि ये महंगी महंगी चीज़ों के मालिक बन जाने से तुमको खुशी मिल जाएगी, तो तुमने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा है। मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, परंतु मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की
बातें अच्छी लगने लगी थी और मैंने कहा बोलते रहे, बेटा खुशी एक सापेक्षिक शब्द है। जैसे कि मैं अगर अपने पैरों पर चलने के योग्य हो जाऊं तो मैं कुछ भी देने को तैयार हूं, और तुम चल भी सकते हो, महंगी कार चलाते हो, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हो और फिर भी तुम खुश नहीं हो। तुमने तुम्हारी चीज़ों का आनंद लेना अभी तक नहीं सीखा है। मैंने सहमति में सर हिलाया। वो अमीर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था, उसकी टांगें भी बेकार थी, पर वो खुश था, वो मुस्कुरा रहा था। उसने फिर कहा, खुशी का संबंध तुम्हारे पैसे और तुम्हारे पद से नहीं है। खुशी तो एक अवस्था है, तुमको तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद उठाना सीखना होगा। तुम कार चलाते हुए तनाव में रहते हो और ऋण के बारे में सोचते हो। संतोष ही खुशी की कुंजी है और अपनी स्थिति को स्वीकारना ही संतोष की कुंजी है। मेरी टांगें नहीं है लेकिन मैं खुश हूँ, जानते हो कैसे? क्योंकि मेरे पास पहियों वाली कुर्सी है जो मुझे इधर उधर ले जाती है। यही काम तो टांगें भी करती हैं। महंगी सस्ती कार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उद्देश्य तो एक सा ही होता है। जीवन में तुमको चीज़ों का प्रयोग और उनको चुनना आना चाहिए, जो शायद अभी तुमको सीखना है। मैं पहली बार मुस्कुराया। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, आपका शुक्रिया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और बैंक में फ़ोन किया। तुम लोग मेरी कार, मेरा घर और मेरा सब कुछ ले लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुछ ले लो और मेरा ऋण समाप्त करो। मेरी सभी संपत्ति बेचकर अपना ऋण चुकता करो और बाकी पैसे मुझको भेज दो। मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और अपने सर को गर्व से ऊपर कर दिया। मैं फिर से जीवित हो गया क्योंकि अब मेरे सर पर ऋण नहीं है। अब मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे उसकी मुझे चिंता नहीं है। मित्रों, अब मैं अपने लिए ही काम करता हूँ और अपना जीवन जीता हूँ। किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूँ। मुझे किसी से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा कमाता हूँ, पर मैं अब महंगी चीज़ें खरीदकर किसी को दिखाना नहीं चाहता। मैं अपनी छोटी सी कार चलाता हूँ, दिन को पैसे कमाता हूँ, अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में खाता हूँ, फिल्में देखता हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ और खुश रहता हूँ। हाँ, एक बात फिर कहता हूँ, अब मैंने किसी का भी एक पैसा नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।